सो डे टू डे लाइफ में हमारे स्मार्टफोन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ आपको तो पता ही रहेगा हमारे एनवायरनमेंट में आजकल बहुत ही ज़्यादा जर्म्स है, बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियाज है और ये हमारे स्मार्टफोन पे भी आ जाते हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने स्मार्टफोन के ऊपर से आप कैसे वो जर्म्स और बैक्टीरियाज हटा सकते हो, अपने स्मार्टफोन को कैसे परफेक्टली क्लीन कर सकते हो, उसे डिसइनफेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे टेक से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं हूँ ऋषभ ग्रोवर और अनबॉक्स एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर ये सब चीजें जो आपको यूज करनी पड़ेगी अपने स्मार्टफोन को क्लीन करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको अपना स्मार्टफोन दिखा देता हूँ कितना गंदा सा हो गया है। एक्चुअली मैं इसको एवरी वीक क्लीन करता रहता हूँ फिर भी ये गंदा हो गया है। यहाँ पर ईयरबड आपको लेना है और टूथपिक लेनी है आपको, ईयरपीस और आपके चार्जिंग पोर्ट को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर एक सोल्यूशन है मेरे पास, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ देता है आपके स्मार्टफोन के ऊपर। यहाँ पर आपको माइक्रोफाइबर का क्लॉथ मिल जाता है। इसकी खासियत ये रहती है कि जो डस्ट है इसको इधर उधर नहीं करती है बल्कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर ये है सैनिटाइजर जो हमारा मेन कंटेंट है, तो ये भी आपको ले लेना है। तो भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर से जो कवर है वो निकाल दूंगा। तो इसे आप इजीली वॉश कर सकते हो, तो अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन के ऊपर कितनी गंदगी और कितने डर्ट इस पे, कितने जर्म्स होंगे आप इमेजिन कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसका जो ईयरपीस है उसे क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैनिटाइजर इस पर ले लेता हूँ, अराउंड एक ड्रॉप के आसपास। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है और मैं यहाँ पर इसे इजीली थोड़ा सा प्रेस करके क्लीन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको एकदम ऐसा सेम करना है और आपको डरना नहीं है क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाता है। तो थोड़ा भी अगर गीला रह गया अंदर तो आपको सैनिटाइजर इसलिए मैंने लिया ताकि ये इवेपोरेट हो जाए और आपके फ़ोन को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी डर्ट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर मेरे ईयरपीस के अंदर। इवन तो मैं आपको जैसे बताया एवरी वीक क्लीन करता हूँ, फिर भी यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल और आपका जो माइक्रोफोन ग्रिल है उसको भी ऐसे ही सेम क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर जो भी डर्ट रहे वो क्लीन हो जाए। और यहाँ पर आप वापस से देख सकते हो कितनी ज्यादा डर्ट आ गई वापस से इसके ऊपर। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चार्जिंग का पोर्ट रहता है उसे क्लीन करना। तो यहाँ पर आपको पिंस का ध्यान रखते हुए, आपके चार्जिंग पिंस का ध्यान रखते हुए इसे टूथपिक को इजीली इंसर्ट करके इसे जो डर्ट है वो बाहर निकाल लेनी है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में मैंने इतनी सारी डस्ट निकाल ली है यहाँ पर, और इतनी डस्ट यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा गलत है, समाओ आपके चार्जिंग की स्पीड को भी कम कर सकता है। यहाँ पर हम हमारे जो 3.5 mm जैक है उससे भी हम यहाँ पर डस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर डाल के थोड़ा राउंड राउंड करना है। सो दोस्तों यहाँ पर मुझे इतनी सारी डस्ट नहीं मिली क्योंकि मैं एक्चुअली अपने वायरलेस एयरपॉड्स का यूज़ करता हूँ और मुझे 3.5 mm जैक ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट हमारा मोस्टली यहाँ पर जो डस्ट है वो हमारे चार्जिंग पोर्ट में ही था क्योंकि वो हमें रोज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ़ोन क्लीन करने। तो अगर आपके पास ऐसे ही कुछ फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आपको उससे सबसे पहले कैसे क्लीन करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको वापस से वो ईयरबड लेना है और ईयरबड के एक साइड पर आपको सेम सैनिटाइजर लगाना है सिर्फ एक ड्रॉप। और यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके यहाँ पर आपको इजीली रब कर देना है। तो इससे होगा ये कि जो बार बार हम इसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो जो मार्क्स आ जाते हैं उसके कारण ये स्लो डाउन हो जाता है, तो वो भी इससे इजीली क्लीन हो जाएगा और ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अभी इसे हम इजीली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लेते हैं तो भी अच्छे से वर्क होने लग जाएगा। अभी हम आ जाते हैं हमारे बैक साइड पर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक या दो ड्रॉप आपको इस सैनिटाइजर के लेने हैं और अभी यहाँ पर जेंटली रब करना स्टार्ट कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं लेनी कि आपके फ़ोन के अंदर लिक्विड चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सैनिटाइजर इवेपोरेट हो जाता है और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा क्लीन हो गया ये, इवन जो ग्लास है नीचे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया है, जो भी फिंगरप्रिंट के मार्क्स थे वो भी चले गए हैं। और आपको चाहिए तो यहाँ पर आप बॉर्डर को भी क्लीन कर सकते हो।
अभी हम आ जाते हैं इसके फ्रंट साइड पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि और एक या दो ड्रॉप यहाँ पर इस पर डालने हैं और वापस से उसे जेंटली रब कर देना है। आपको फुल सरफेस पे यहाँ पर रब कर देना है और वापस से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका जो लिक्विड रहता है इवेपोरेट हो जाता है, तो आपके फ़ोन को ख़राब होने के कोई भी चांसेस नहीं है। वापस से इसे आपको रब कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया, जो भी फिंगरप्रिंट के मार्क्स थे वो चले गए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है ये स्मार्टफोन, और यहाँ पर आप जो बॉर्डर्स है वो भी देख सकते हो। इवन अगर मैं आपको बैक साइड दिखाऊँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया है, और यहाँ पर जो पोर्ट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। स्पेशली जो ग्लास सर्फेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। यहाँ पर इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है और भी अच्छे से काम करने लग गया है, और यहाँ पर इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा बेटर हो गया है। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस फुल करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अभी ये। और इसी तरह से आप अपने स्मार्टफोन को फुल्ली डिसइंफेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप आपको पता चल गया रहेगा कि आपको कैसे अपने फोन को एकदम इजीली डिसइंफेक्ट करना है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सेफ्टी मेंटेन करके रख सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी।